आपको स्क्रीन रिकॉर्डर करते टाइम साउंड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब ये होती है कि जब हम स्क्रीन रिकॉर्डर करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके स्क्रीन जब रिकॉर्ड करते हैं, साथ साथ में जब हम बोलते हैं तो उसमें जो साउंड है जो सेव नहीं होती है। मतलब कि हमारी जो स्क्रीन की रिकॉर्डर है बस वही हमारी सेव हो जाती है, एंड जो मैंने बोला वो हमारे वीडियो में आई ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए एक फ़ोन और लो जिसमें आप साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फिर से उसमें सेंड करके मर्ज कर सकते हो। तो ये क्रिटिकल हो जाती है ना, ऐसा शायद करना या आपके पास होगी या नहीं होगी, बट यही जो आपके पास फोन है उसी में सही चाहिए। तो देखो ये एक छोटी वीडियो है, मैं चाहता तो इसे शॉर्ट्स वीडियो में भी बना सकता था, बट शॉर्ट्स वीडियो में ऑडियंस जानते जाते शायद बाई चांस ही उनको ये वीडियो मिल पाती, बट हम एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, प्रॉपर वीडियो में समझाएंगे तो वो सबके पास ये वीडियो जाएगी। तो मैं सोचा कि हाँ मैं यहीं पर शेयर कर सकता हूँ, मैं अपनी जो वीडियोज में ही मैं एक स्पेशल वीडियोज बना करके शेयर कर दूँ। यहाँ पे देखो दो तीन ऑप्शंस आपको मिल सकती है, जो लास्ट ऑप्शन जो आपके फ़ोन्स में ही मिल जाएगी वो मैं लास्ट में बताऊँगा। पहली है आप अपने फ़ोन्स जो आपके पास है, तो एक तो आप फ़ोन्स यूज कर रहे हो, दूसरी फ़ोन्स आप लो जिसमें कि आप कहीं पर रख करके साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब कि एक में स्क्रीन रिकॉर्डर चलेगी एंड एक में आप एक फ़ोन्स में आपके साउंड रिकॉर्ड होगी, फिर उस साउंड को अगले फ़ोन में भेज करके दोनों को मर्ज करके फिर से आपको वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी अजीब नहीं लग रही आपको? एंड दूसरी ऑप्शन हमारी आ जाती है जिसमें कि आप थर्ड पार्टी कोई ऐप हो जाती है, तो थर्ड पार्टी ऐप तो मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप करो, बट कोई एक जेन्युइन ऐप है उसमें आप ट्राई कर सकते हो जो शायद हमारी साउंड से जो रिकॉर्ड हो जाए। बट यहाँ भी आप नहीं चाहते हो तो अगर आप फोन्स जो आपके पास है बस उसी में चाहते हो कि हम उसी में कर लें, उसी से हमारी वर्क है हो जानी चाहिए, हमें ज़्यादा कुछ क्रिटिकल काम नहीं करनी है, तो चलते हैं आप स्क्रीन पर। प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे उसको यूज कर सकते हो, बस सेटिंग्स है, कुछ छेड़खानी नहीं है। तो चलते हैं स्क्रीन पर एंड बताते हैं। वीडियोज को लास्ट से देखना तभी आप सीख पाओगे। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस ऐसे ही नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज देखो ये हमारी स्क्रीन रिकॉर्डर है जो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ स्क्रीन रिकॉर्ड जो यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है, आप सेटिंग्स में जा करके देख लो, नहीं तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो ये विजुअल नहीं है, विजुअल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर है जो मैं अपना ऑन कर रखा हूँ, अगर स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन नहीं रहती तो इस तरह के विजुअल रहती, जैसे पूरी जो विजुअल है तो इसी तरह ये भी रहती, बट अभी ये विजुअल नहीं है क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर को स्टार्ट कर रखा। तो यहाँ पे साउंड्स की जो प्रॉब्लम है, देखो अगर वीडियोज़ की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप यहाँ से फ्रेम रेट जो रिकमेंडेड है, कैमरा फेस जो भी है जो ऑन कर सकते हो, बट यहाँ पे सेटिंग्स आ जाते हैं ये कर लो, एंड नहीं तो आप डायरेक्टली अगर स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट कर रखो तो यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन आ जाएगी, तो आपको करके बताते हैं। यहाँ पर जाते ही आप यहाँ पर देख लेना साउंड्स के दो ऑप्शंस आ जाते हैं, रिकॉर्ड सिस्टम रिकॉर्ड, एंड इसका मतलब हो जाती है कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर करते हो उसमें कहीं म्यूजिक है तो जो हमारी फ़ोन्स में जो म्यूजिक बजेंगे, जो साउंड्स जो आएगी वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। आई मीन कह सकते हो कि अगर मैं वीडियो कॉल किया हूँ, अगर अगले बंदे की आवाज़ चाहिए तो आप यहाँ से आप कर सकते हो और इसे ऑन कर दोगे तो उनकी भी आवाज़ आ जाएगी आपके फ़ोन्स में, एंड माइक्रोफोन्स जो ये है जो आप बोल रहे हो उसकी रिकॉर्ड इसमें होगी। तो दोनों को आप ऑन रखना तभी आप दोनों तरफ की है जो आवाज़ है जो सुन पाओगे। बस यही दो ऐसे ऑप्शन है जिसे आप स्टार्ट कर लो एंड रन करने लगेगी आपकी वीडियो जो है जो। तो गाइज आपने स्टेप देखा कितनी इजी स्टेप है, चाहो तो मैं शॉर्ट्स में भी बना सकता हूँ, मतलब कि ये चाहे तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में बता सकता हूँ, बट शॉर्ट वीडियो की कोई भी चांसेस नहीं है कि जो आपको देखने को मिले या ना मिले, क्योंकि आप शॉर्ट्स में जाते हो किसी की वीडियो देखते हो तो सडनली आपको देखने को मिल भी सकती है, नहीं तो नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि ये YouTube की तरह नहीं है कि जब सब्सक्राइब कर लो तो वो हमें सामने दिख जाएगी या सब्सक्राइबर बेस में दिख जाएगी। इसलिए मैं शॉर्ट्स में नहीं बताया क्योंकि हमारी ऑडियंस है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि शॉर्ट्स में उनको नहीं मिल पाती है, इसलिए मैं सोचा कि एक प्रॉपर ही वीडियो बना दूँ। तो आपको कैसी लगी, अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड उसके बाद आप लाइक कर दो, कमेंट्स भी कर सकते हो, एंड नॉलेज आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर से कल न्यू एक टेक वीडियोज के साथ। बाय बाय।